देखिए जी, लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक आया है। इवन बाज़ार से आई थिंक अच्छा आया है। आप कमेंट करके बताएं कैसे लगी आपको, केचप मायनीज के साथ खाए, एंजॉय कीजिए ज़रूर। अगर आपको मेरी पसंद आई रेसिपी तो फीडबैक दीजिए, और जो न्यू व्यूवर्स है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाए। मेरी अम्मी का चैनल हैदराबादी तड़का इन तेलुगु को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करे, मेरे अब्बू अम्मी के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिए आप लोग। अल्लाह पाक आप लोग अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। खैर मैं ख़त्म करती वीडियो। सो डिलीशियस, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं वीडियो को एंड करके खाने बैठूँगी। ओके, फिर अच्छी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। हाँ जी, आपको बताएंगे, मैंने 1 बिग साइज़ पोटैटो लिया है, उसको काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे काटना है, तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पहले ऐसे काटेंगे, मोटे पतले जैसे चाहिए आपको वैसे काटे। सारे कट करके मैं आपको शो करूंगी। देखिए जी, जब तक आलू काटूंगी मैं, तब तक पानी बॉईल होने रखूंगी। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, पानी बॉयल हुए तक मैं आपको आलू भी काट के बताऊंगी। पानी में उबाल आ गया है, मैं सारे आलू इसमें शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉइलिंग वाटर में शामिल करूँगी। 2 मिनट इसको बॉइलिंग वाटर में बॉयल होने के बाद आपको बताऊंगी मैं। देखिए 2 मिनट हो गए, मैं इसको नितार लूँगी, ज़्यादा इसको गलाने नहीं है, मैं आपको इसके बाद बताऊँगी। मैंने आलू को निकाल लिया, नितार लिया है, उसके बाद मैं तेल गरम होने रखी हूँ, फिर आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। देखिए जी, हमने पूरा इसको पानी नितार लिया है, ऐसे काटा है हमने लंबे लंबे से, और हमने कॉर्नफ्लोर लिया है 4 टेबलस्पून। गरम गरम में ही हम कॉर्नफ्लोर में सारा का सारा मिला लेंगे। देखिए सारा मिलाएंगे गरम गरम इसमें। देखिए मैं सारा मिक्स कर लूँगी इस अच्छे से। देखिए मेरे टॉस करेंगे इसको सारा। देखिए मैंने झाली में डाल लिया है, अब इसको एक्सेस ऐसे निकाल देंगे सारा। तेल हीट हो चुके हैं, हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको किसी कवर वगैरह में डाल के फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो, जब मन चाहे निकाल के तल ले। सारे डाल कर डीप फ्राई करेंगे, फिर आपको बताऊंगी मैं। देखिए आप फ्राई हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और मेरे झाली को महसूस हो रहा है कि क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहे हैं। ब्राउन होने तक मैं इसे मज़ीद फ्राई करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। देखिए आप देख सकते हैं कैसे ब्राउन ब्राउन हुए हैं माशाल्लाह से। अब मैं इसे बर्तन में निकालूंगी और सारे तल के आपको लास्ट में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम आपको बनाने सिखाएंगे होममेड फ्रेंच फ्राइज, जो कि सब बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट होती है। मेरी अपनी फेवरेट है, मेरे भाई की फेवरेट है, तो मैं स्पेशली अपने भाई के लिए बना रही हूँ। फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and also activate bell icon to get latest updates.